असलम एवरी वन वेलकम बैक टू इनोवेशनल लेंस इस वीडियो में मैं कॉरि फैब्रिक को डिटेल में डिस्कस करूँगी कॉडि फैब्रिक ड्यूरेबल एंड रिजिड फैब्रिक होता है जिस पर वर्टिकल रॉस एंड रिजिज क्रिएट की जाती हैं पाइल से इन रॉस और रिजिस को कॉर्ड और वेल भी कहते हैं दीज कॉर्ड्स आर द हलवर्क ऑफ द कॉडि फैब्रिक इन कॉर्ड्स के साइजेस को बड़ा या छोटा करके डिफरेंट तरह से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है कॉडर फैब्रिक प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले प्लेन वीव की जाती है वैसे तो ट्विल वीव भी यूज होती है बट मोस्टली प्लेन वीव ही यूज करते हैं वंस प्राइमरी वीव यानी प्लेन वीव कंप्लीट हो जाए तो एडिशनल थ्रेड्स मींस पायल थ्रेड को प्राइमरी वीव के साथ इंटरमिक्स किया जाता है फिलिंग यानी वाप डायरेक्शन में और पायल थ्रेड्स को इस तरह इंटरमिक्स किया जाता है कि वो एटलीस्ट फोर वाप थ्रेड्स के ऊपर से पास हो ताकि फ्लोट थ्रेड क्रिएट हो टू अंडरस्टैंड व्हाट अ फ्लोट थ्रेड इज यू कैन रेफर टू माय प्रीवियस वीडियो वेल मूविंग ऑन पायल थ्रेड को ऐड करने के बाद कॉर्डरी फैब्रिक की बैक साइड पर ग्लू लगाई जाती है ताकि पायल थ्रेड मूव ना करें ड्यूरिंग कटिंग प्रोसेस फिर ग्लू लगाने के बाद पायल थ्रेड यानी लूप्स को सेंटर से कट किया जाता है और फैब्रिक के सरफेस पर ब्रशिंग की जाती है इस तरह से सॉफ्ट एंड यूनिफॉर्म रिजिश प्रोड्यूस होती हैं जिन्हें कॉर्ड भी कहते हैं और जो ग्लू कटिंग प्रोसेस से पहले लगाई जाती है वो आगे फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में रिमूव कर दी जाती है कॉडरी फैब्रिक पर यूनिक इनरेगुलर एंड मॉडल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए पिगमेंट डाइट प्रोसेस यूज किया जाता है इसके अलावा यूज करते पर से गए, पर वेल ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती कॉर्डर फैब्रिक की डिफरेंट टाइप्स होती है नंबर फर्स्ट स्टैंडर्ड कॉड्री इसमें 11 वेल्स होती हैं पर इंच में या फिर 8 टू 13 वेल्स हो तो उसे भी स्टैंडर्ड कॉड्री ही कंसीडर किया जाता है एलिफ़ेंट कॉडरी में वेरी लार्ज एंड थिक कॉर्ड्स होती हैं पर इंच में एटलीस्ट वन पॉइंट फाइव टू सिक्स वेल्स आती हैं पिन वेल कॉडरी इस फैब्रिक में वेल्स बहुत पतली और क्लोज क्लोज होती हैं जो फाइनेस्ट पिन वेल फैब्रिक होता है उसमें तकरीबन ट्वेंटी वन वेल्स होती हैं पर इंच में कॉडरी फैब्रिक में जब स्पेंडिक्स को ऐड किया जाता है जिससे स्ट्रेचि कॉर फैब्रिक प्रोड्यूस होता है तो उसे स्पेंडिक्स कॉर्डरी फैब्रिक कहते हैं बट फॉर कॉर्डरी अमेरिकन फैब्रिक होता है जिसमें पाइल्स को अनकट ही रहने देते हैं जिससे पाइल्स और कॉर्ड लेस प्रोमिनेंट होती हैं आई होप यू फाउंड दिस लेक्चर ईजी टू अंडरस्टैंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू सो मच